सुप्रभात, मैं अनुप्रिया सक्सेना आप सबके समक्ष अपना पहला प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसमें मैंने 5 शैक्षिक खेल बनाए हैं। देखते हैं पहला गेम। देखो, पहला गेम है स्टोरी टेलिंग गेम, यानी कहानी कथन खेल। इस खेल में हम क्या करेंगे, कक्षा के समक्ष ये हम प्रस्तुत करेंगे। इसमें 4 चित्रों के माध्यम से मैंने कहानी कहने की कोशिश करी है, तो ये बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और बच्चे इन चित्रों के माध्यम से कहानी का निर्माण करेंगे। इससे बच्चों की कल्पनाशीलता में वृद्धि होगी और उनका शब्द भंडार भी बढ़ेगा और उनकी चिंतन प्रक्रिया को भी तेज़ी मिलेगी। देखिए, इस कहानी में मैंने क्या दर्शाया है। देखिए, इसमें हमने प्यासे कौवे की कहानी दिखाई है, जिसमें एक प्यासा कौवा देख रहा है और उसे पानी का एक घड़ा दिखाई देता है। दूसरे चित्र में हमने दिखाया है कि पानी का स्तर बहुत नीचा है, जो कि कौवे की चोंच की पहुंच से बहुत दूर है, इसलिए वह पानी नहीं पी सकता। अब उसे एक युक्ति सूझती है और वो पास में रखे पत्थरों को देखता है, तो ये पत्थर वो बारी बारी से इस घड़ी के अंदर डालना शुरू करता है, जिससे जल का स्तर जो है बढ़ जाता है। जल का स्तर बढ़ जाता है तो फिर अब आप चौथे चित्र में देख सकते हैं कि जल का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है, जिससे कौवा अपनी प्यास बुझा सकता है एक जल को ग्रहण करके। तो इस कहानी के माध्यम से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जहाँ चाह वहाँ राह, यानी अगर हम किसी कार्य को करने की ठान लें तो अवश्य ही हम उस कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण करते हैं। इससे बच्चों को कल्पनाशीलता में भी विकास होता है और वो इसको देखकर कहानी का एक अच्छी कहानी का निर्माण कर सकते हैं और इस कहानी से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो जो बच्चा सबसे सटीक कहानी इस पर निर्माण करेगा, वही इस खेल का विजेता होगा। तो आइए हम दूसरे गेम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा गेम है हमारा, देखिए, अल्फाबेट्स लर्निंग गेम। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए, इसमें हमने सैंपल के रूप में ये A to Z पूरे अल्फाबेट्स रखे हैं। देखिए, अब इनकी मदद से हमने कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, जिनको ABCD के क्रम में हम अरेंज करेंगे। ये देखिए, पहले हम A लगाया, आप देख सकते हैं इसे, ABCD। तो बच्चा इसको देख करके अल्फाबेट सीख सकता है, और इतना ही नहीं, वो ए फॉर एप्पल, एप्पल का रंग, उसकी स्पेलिंग, ये सब भी सीख सकता है। देखिए, सबसे पहले बच्चा इन कार्ड्स में से ABCD ढूंढकर इसकी मदद से लगाएगा, और जब बच्चा धीरे धीरे ये लगाना सीख जाएगा तो उसे एक क्रम भी याद हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सैंपल के रूप में जो हमने लगाया था, इस हम A to Z को हटा देंगे। उसके बाद बच्चे से कहेंगे कि वो इनमें A to Z तक सीक्वेंस से उनको अरेंज करें। इसकी मदद से हम स्पेलिंग भी सिखा सकते हैं, जैसे अगर बॉय बनाना है तो देखिए कैसे बनेगा इससे, BOY। देखिए, इससे बच्चा शब्दों का निर्माण भी कर सकता है, जैसे इसी ABCD से उसने B फॉर बैट सीखा, O फॉर ऑरेंज सीखा, और Y फॉर याद सीखा। तो अब बॉय की स्पेलिंग है तो उसने BOY ऐसे करके अरेंज करके भी लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा गेम ABCD सिखाने में और स्पेलिंग्स को सिखाने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे गेम की तरफ। देखिए,
ये तीसरा गेम है हमारा डिक्शनरी गेम। इस गेम में क्या करना है, देखिए यहाँ आप देख रहे हैं स्मॉल ए टू जेड लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे मैंने कुछ इंग्लिश के लेटर्स वर्ड्स लिखे हुए हैं और नीचे ये 10 कॉलम है। हमें क्या करना है, इंग्लिश डिक्शनरी में के हिसाब से इनको इन कॉलम्स में अरेंज करना है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ढूंढेंगे कि क्या कोई भी वर्ड हमारा ए से शुरू हो रहा है या नहीं। तो देखिए टेबल, चेयर, शूज, बॉक्स, लैंप,